डीजी साथ कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लोग संस्कृत विषय पर चर्चा करेंगे। संस्कृत विषय कक्षा 7 सुभाषिका, और जिस पाठ के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह चतुर्थ पाठ है सरभूल पर्व। पहले हम इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इस कहानी के अर्थ को समझेंगे, इसके कठिन शब्दों को लिखेंगे और बाद में अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, मैं सरभूल पर्व पाठ के साथ आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। सरभूल पर्व। झारखंड प्रदेशे जनजाति नाम अनेके उत्सव सन्ति, परम तेषां मध्ये सरभूल इति प्रमुखम पर्व अस्ति। मुंडा जनजाति नाम अयम मुख्य उत्सव अस्ति। उरांव जना अस्य पर्वणम खद्दी इति नामना, संथाल जनाश्च बहा नामना अनुष्ठानम कुर्वन्ति। अस्मिन् अवसरे मुंडा जना शरणास्थले एकत्रिता भवन्ति। शरणास्थले शाल वृक्षस्य मंजरेण शरणादेवीं पूजयन्ति। उरांव जनजातीनां जना भोजने सरभूल पर्यन्तं तस्य वृक्षस्य नव पुष्पाणां पत्राणां च प्रयोगं न कुर्वन्ति। जना सरभूल पर्वणां पनस फुटकल गोफलानां सेवनस्य प्रारंभं कुर्वन्ति। पाहन शरणास्थले सप्ताह पूर्वमेव घटे जलं स्थापयति। सः घटस्य जलं दृष्ट्वा भविष्यवाणीं करोति यत् अस्मिन् वर्षे कीदृशी वृष्टि भविष्यति। जनाः तण्डूल कुक्कुटी मांस मिश्रितस्य प्रसादस्य ग्रहणं कुर्वन्ति। तं प्रसादं सूडीति कथयन्ति। अस्मिन् अवसरे पाहन जनेभ्य साल मंजरेण आशीर्वादं ददाति। अयम् उत्सवः सप्ताह पर्यन्तं प्रचलति। जनाः गृहे मंडप निर्माणं कुर्वन्ति, द्वारे पुष्प गुच्छे सज्जां च कुर्वन्ति। सर्वे नवीन वस्त्राणि धारयन्ति। शोभा यात्रायाः आयोजनं भवति। अस्यां शोभा यात्रायां बालाः युवकाः वृद्धाः च मान्दरिति वाद्यंत्रं वादित्वा नृत्यन्ति। रात्रौ सर्वे जनाः मिलित्वा नृत्यन्ति गायन्ति च। अस्मिन् अवसरे तण्डूल गुड़ घृत मिश्रितं विशिष्टं मिष्ठानं पचन्ति। जनाः अनेकानि नवीनानि व्यंजनानि खादन्ति। अयं तु वसन्तोत्सवः अस्ति। वसन्ते सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति। वातावरणे पुष्पाणां सौरभस्य प्रसारः भवति। नवपल्लवाः सर्वान् आकर्षयन्ति। सरभूल पूजा वस्तुतः प्रकृति पूजा एव अस्ति। जनाः रात्रौ तु नृत्यन्ति मान्द्रं वाद्यन्ते तदा। सर्व पर्वसु वैव साध्यं सरभूलेति हि कथ्यते। के बारे में संस्कृत में पाठ को पढ़े, अब इसके मुख्य अर्थ को हम लोग समझते हैं। झारखंड में बहुत प्रकार के जनजाति बसते हैं और सभी जनजाति समुदाय के बीच अलग अलग पर्व त्योहार होते हैं, लेकिन झारखंड प्रदेश में सरहुल एक ऐसा पर्व है जो सभी जनजाति इसको उल्लास के साथ मनाते हैं। ये कहा जा सकता है कि सरहुल यहां का एक मुख्य पर्व है। देखा जाए तो सरहुल मुंडा जनजाति का मुख्य पर्व है और इसको अलग अलग नाम से अलग अलग जनजाति पुकारते हैं। उरांव जनजाति इसे खद्दी, जबकि संथाल जनजाति इसे बाहा के नाम से जानते हैं। इस अवसर पर मुंडा शरणास्थल पर एकत्रित होते हैं। शरणास्थल पूजा स्थल है। शरणास्थल में साल के मंजर से शरणा देवी की पूजा की जाती है। उरांव जनजाति के लोग सरहुल पर्यंत साल के पत्तों और इसके पुष्पों का प्रयोग नहीं करते हैं। इस पर्व से कटहल का सेवन प्रारंभ किया जाता है जनजाति के बीच। पुजारी सप्ताह पूर्व पूजा स्थल पर घट स्थापित करते हैं एक सप्ताह पूर्व, और इस जल को देखकर वो ये भविष्यवाणी करते हैं कि इस वर्ष कितनी बारिश होगी।
इस अवसर पर पुजारी साल के मंजर से सबको आशीर्वाद देते हैं। यह पर्व लगभग एक सप्ताह तक चलता है। घर में मंडप बनाए जाते हैं, दरवाजे पर पुष्पों से सजाया जाता है, घर के सभी लोग नए वस्त्र धारण करते हैं, शोभा यात्रा निकाली जाती है और शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य किए जाते हैं। रात को भी सभी मिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और चावल से विशिष्ट पकवान बनते हैं और चावल से ही इसमें भोग प्रसाद भी लगाया जाता है। इस पर्व के साथ ही वसंत उत्सव का आगमन भी होता है। सर्वत्र पुष्प के सुगंध बिखेरते हैं और वस्तुतः देखा जाए तो सरगुल प्रकृति पूजा है।